बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुरैन ब्यूटी हब। दोस्तों, आज एक आपको छोटा से रेमेडी बताने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके बहुत काम आने वाली है। सो बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। रेमेडी के दो इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ, जो कि आपके किचन में या आपके फ्रिज में मौजूद होंगे। एक है इसमें हमारे पास कुकम्बर, खीरा, और जो दूसरा है वो है लेमन। ठीक है, करना क्या है आपने, बहुत सादा और आसान सा काम है। कुकम्बर को ले लेना है, ठीक है, और हमने इसको, ये टूल है एक हमारे पास कद्दूकश, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसको क्रश कर लेना है। इस तरह से इसको क्रश कर लेना है। इतनी सूटिंग और इतनी फ्रेश जो है इसकी स्मेल है, जितना मैं ये चीज़ें आपको लगाने के लिए बताती हूँ, उतनी जो रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उनको अपनी डाइट में भी शामिल किया करें तो आपको और ज़्यादा अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। ये इस तरह से, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे पेस्ट आ गया हमारे पास, जिसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, एक लेमन लेंगे हम और थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स जो है ना लेमन के, हम इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से चंद ड्रॉप्स जो है वो हमने इसमें स्क्वीज़ कर लिए हैं। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये एक बहुत अच्छा सा जो है ये एक पेस्ट रेडी हो गया। अब आपको मैं इसको अप्लाई करने का बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है। इसको आपने 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करना है, दिन में किसी भी टाइम जो है, और वीक में 2 से 3 टाइम इसको अप्लाई करें तो आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो टाइटन हो जाएंगे, ठीक है, एक ग्लो आएगा, एक फ्रेशनेस आएगी स्किन पे। हल्के हाथ से आपने पूरे जो अपने फेस पे है इसको इस तरह से अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल ईजी और रिलैक्स होकर इसको लगा के लेट जाए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा अरोमा आएगा इसको लगाने से, और बहुत फ्रेशनेस फील होगी। साथ ही साथ आपने क्या करना है कि जो आपके पास कुकम्बर बचा होगा उसके आप दो स्लाइस काट लें इस तरह से, ठीक है, और लेटे लेटे ये दोनों स्लाइस जो हैं आपने साथ में अपनी आईज़ पे भी इस तरह से रख लेने हैं। आंखों के नीचे जो पफिनेस होती है, ठीक है, और जो डार्क सर्कल होते हैं वो भी रिमूव होंगे, आंखें भी फ्रेश नज़र आएंगी, आई सेट पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जो आपकी स्किन है वो ग्लोइंग और फ्रेश हो जाएगी। आपके जो ओपन पोर्स हैं उनमें से डर्ट भी जो लेमन है निकालेगा और उसको श्रिंक कर देगा। 10 से 15 मिनट आप इसको अप्लाई करें, ठीक है, ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद आप जो है उस अपना फेस वॉश कर लें और फिर इसका जो है बहुत अच्छा और ग्लोइंग इफेक्ट आपको मिलने वाला है। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी आज की बहुत पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।